मैं खड़ा हूँ वैसे आप बोलें पॉइंट ऑफ ऑर्डर चले। थैंक यू सो मच सर। मैं जनाबे वाला इस वक्त हमारा जो एजेंडा है आज का पीएसडीपी एनएफसी सियासी कारकुन के हवाले से काफ़ी यहाँ पे बैठे हुए मेम्बरान्स ने बात की इस पर पीएसडीपी का लैप्स होना जैसे जनावला बलोच साहब ने कहा कि हम यानी वादा वफा ना कर सके और जो हमारे लोगों के साथ यानी डेवलपमेंट के हवाले से जो लोगों के तहफ़ुसात थे जो उनकी उम्मीदें हमसे थी एक साल हमारा गुजर गया है लेकिन हम कोई मेरा ख्याल है वादा वफा ना कर सके। अपोजिशन तो अपनी जगह बीइंग अ रिज़र्व हमेशा मैंने यही कहा कि हम ख्वातीन को आप लोगों ने कभी एज मेंबर कंसीडर ही नहीं किया। जहां हम बात करते हैं कि हम लोगों को हर किस्म की खुशहाली दे रहे हैं सीपैक के हवाले से जनाब असद साहब ने बहुत डिटेल बात की कि सीपैक का तो हम बहुत दावेदार हैं हम बड़ा बुलंदबांग कहते हैं कि सीपैक है और बलूचिस्तान में इसका कोई हिस्सा नहीं है लेकिन हमने बलूचिस्तान के लोगों के जो पिछले टेन्योर की अगर हम चीज़ों को देखें बीडीए के मुलाजमीन के पास में गई उनकी हालत इजार मैंने देखी टीचर्स के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अभी बात की। अभी कुछ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के जो 10% कोटा था जो 20 यानी हमारे जो 20 एम्प्लॉयज़ 17 ग्रेड पर 2.5 साल से काम कर रहे थे उनकी डिमोशन को हमने देखा कि हम बजाय आगे जाने के हम जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है इस हुकूमत के इख्तियार में इतना तो है कि जिन लोगों ने 20 सिर्फ जस्ट आपके एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 17 ग्रेड पे बीएससी ओनर्स एग्रीकल्चर में और अभी एमएससी करके 17 ग्रेड पर 2.5 साल तक काम करते रहे हैं फिर रूलिंग दे के उनको डिमोट किया गया है। अब किसी को 12, 14 और 7 ग्रेड मिलाना मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हम कहीं नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक तवज्जो आप लोगों की दिलवाई थी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं खुजदार मेडिकल कॉलेज जो कैंपसेस हमने खोले थे उनकी मैं बात कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हम पीएसडीपी को एक तरफ रख के हम एटलीस्ट इन इश्यूज़ को तो देखें कि जहाँ पे आपके 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकेंड ईयर के लिए उनके एडमिशन्स नहीं जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है मेडिकल वहाँ से फेडरल कहता है कि इनको क्लोज किया जाए स्कॉलरशिप पे हमारे माइनस लग गया है बेरोजगारी हम बढ़ा रहे हैं कभी हम फेडरल को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कभी प्रोविंशियल और प्रोविंशियल पिछली हुकूमतों को हम हर तरफ यानी उंगलियाँ जो है ना उठाते जा रहे हैं ये नहीं वो कर रहे बेटरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान को तो हमने दहशतगर्दी का नाम दे दिया पिछले एक सेशन में आप लोगों ने एक बहुत बड़े दहशतगर्द को यहाँ से निकाला हमारी एक असेंबली की खातून अपने बच्चे के साथ आई तो वो सबको नज़र आया वो बच्चा सबको नज़र आया सबसे बड़ा दहशतगर्द था उसको आप लोगों ने इस असेंबली से निकाल दिया बगैर कुछ कहे उसके बाद उस पर यानी मजाक भी होता रहा बातें भी मैंने कोई कहता है बोतल उठाई है तो उसको देख रहे किसी के बच्चे को नहीं देख रहे इस तरह के कमेंट्स देना ख्वातीन के साथ यानी हम अगर ऐसा अवामी नुमाइंदा हम बलूचिस्तान के हालात को देखें गवादर में दहशतगर्दी हुई पीसी होटल पे आपने एक ऐसे स्टूडेंट को एक लिखतकार उसका नाम दे दिया कि वो इसमें इन्वॉल्व है अब वो मेंटल स्ट्रेस वो जो उसका फ्यूचर कितना उससे मुंसलिक था यहाँ पे हमारे बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब वो इस चीज़ को देखे कल इन्हीं के इलाके में 3 कोचेस चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं मुसाफरों के साथ और फिर उसके बाद जब वो ट्वीट करते हैं जब बात आती है तो उसके फौरन बाद जो है ना वो जो है ना सामने आ जाते हैं। यानी जनाब स्पीकर हमें ये देखना चाहिए पीएसडीपी एनएफसी अवार्ड सब चीज़ों पे हम रोना रो रहे हैं